हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार देवलिया आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ एक नए टॉपिक के बारे में जिसका कि नाम है एवोल्यूशन ऑफ मैन। तो एवोल्यूशन ऑफ मैन के अंतर्गत हम बात करेंगे कि मैन का अर्थात ह्यूमंस का एवोल्यूशन किस प्रकार से हुआ है। तो ह्यूमंस का एवोल्यूशन जो है वो एप्स लाइक मैमल्स, एप्स के समान मैमल्स से हुआ है। तो आज से लगभग 40 मिलियन ईयर्स पहले एप्स का ओरिजिन हुआ, जिनमें फर्स्ट जो ह्यूमन था वो रामापिथिकस, जो कि एक एप्स ही था। ये आज से लगभग 14 मिलियन ईयर पहले इवॉल्व हुआ और इसको सबसे प्राचीन ह्यूमन एंसेस्टर के नाम से जानते हैं। यह रामापिथिकस जो है वो सबसे प्राचीन ह्यूमन एंसेस्टर है। सेकंड जो है वो है ऑस्ट्रेलोपिथिकस रेमिडस। ये आज से लगभग 4 मिलियन ईयर पहले इवॉल्व हुआ और इसकी जो ब्रेन की जो साइज़ थी वो 700 सीसी थी। सीसी से तात्पर्य क्रैनियल कैपेसिटी। तो इसके ब्रेन की क्रैनियल कैपेसिटी 700 सीसी थी और इरेक्ट पोस्चर था, तो ये सीधा खड़ा हो जाता था। और इसकी जो ऊंचाई थी वो लगभग 4 फीट थी और ये बाइपीडल लोकोमोशन था, ये दो पैरों से चलता था और इसमें सुप्रा ऑर्बिटल रिज प्रेजेंट थे। तो आँखों की जो हड्डी होती है, आँखों के ऊपर जो भौं होती हैं, वहाँ की जो हड्डी है वो थोड़ी सी उभरी हुई थी, तो सुप्रा ऑर्बिटल रिज यहाँ पे प्रेजेंट थे इसमें ऑस्ट्रेलोपिथिकस रेमिडियस में। इसके बाद है ऑस्ट्रेलोपिथिकस एफ्रेंसिस, इसे लूसी के नाम से भी जाना जाता है और ये आज से लगभग 3 मिलियन ईयर पहले इवॉल्व हुआ था और इसकी खोज जॉनसन नाम के एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इसको खोजा इथोपिया में। इसका जो स्कल था वो बहुत छोटा था और इसमें चिन मतलब थोड़ी जो है वो इसमें एब्सेंट थी। और ये जो फॉसिल जो मिला था ये लगभग 6 साल का बच्चे का फॉसिल था, 6 साल के बच्चे का फॉसिल था और इसकी जो क्रैनियल कैपेसिटी थी वो 700 सीसी थी। तो जो 6 साल का जो बच्चा था वो फीमेल चाइल्ड था। इसके बाद हम बात करते हैं अगली स्टेज जो कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस एफ्रीकेंस कहलाती है। तो ये भी सीधा था, रैक्ट पोस्टर था इसका सीधा था और इसमें लार्ज टीथ थे, दांत इसके बड़े बड़े थे और ये आज से 2 मिलियन ईयर पहले इसका एवोल्यूशन हुआ। इसके बाद जो अगली स्टेज है वो है ऑस्ट्रेलोपिथिकस रोबस्टस। तो ये जो एप्स थे ये चबाने में सक्षम थे और ये नट को क्रैक कर सकते थे। जो नट होते हैं उनको ये क्रैक कर सकते थे या उनको तोड़ने में ये सक्षम थे। इसके बाद जो अगली स्टेप जो आती है वो है होमो हैबिलिस। तो होमो हैबिलिस को एबल ह्यूमन के नाम से भी जाना जाता है। दे कैन मेक स्टोन टूल, ये पत्थरों से औजार बनाते थे और इनके ब्रेन की जो साइज़ थी वो 800 सीसी या 800 सीसी थी और ये छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते थे और इनमें डिवीज़न ऑफ लेबर भी पाया जाता था। थैंक
थैंक यू सो मच। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए।